बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एम बी ब्लॉग च वेलकम कर दे कि मेरा सारे भैणा भरा ठीक है। अल्लाह ताला तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दे तुहाडियां जायज़ ख्वाहिशां पूरा करे आमीन सुमा आमीन। हाँ जी जी, अज गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं बच्चों लिए बनाने लगी हाँ मिठा मिठा। बहुत ये फायदेमंद भी बहुत आ तो बच्चे बड़े शौक न खाते हैं तो मैं बनाने लगी सी। मैं चलो अपने भैणा भरावान भी शेयर कर लव तो इधर आओ तुहानू चीज़ा दिखा दिनी हाँ। यह सागू दाणा वा हर है ना पर संसार या करियाना स्टोर तो ना बड़ी आसानी ना मिल जाता वा दानेदार चिट्टे रंग दे दाने होंगे। सागू दाणा अद्धी प्याली तो अद्धी प्याली आ रंग बिरंगिया सेवियां तुसी रंग बिरंगिया ना पाओ बिल्कुल बेशक एक रंग दियां ही पा लो लेकिन रंग बिरंगिया बच्चे खुश हो जाते। यह जैली आ लाल कलर की आ बाकी कलर की भी आँदी लेकिन मैं लाल ही पानी आ सादा तो चीनी आ दो है ना इलायची है ना कड़े हुए दाने तो बनाना शुरू कर दे ते तुसी भैणा भरावान ना रहना एक तो फायदेमंद आ बच्चों लिए दूसरा बच्चे शौक ना खाते। हाँ जी जी बर्तन रखता वा पानी उबलन लग पे बर्तन रखता अग बल पई है तो बिच पानी पा दें डेढ़ मग मैं पानी का पाऊंगी जैली वास्ते पहले जैली बना लेने क्योंकि उन्हें ठंडी होना बाकी का काम बाद च करांगे। डेढ़ मग मैं पानी पा लिया वा ये हूँ पानी गर्म होने दिने पानी रिझण लग पाया वा इन थले ला लें ला के बिच पूरा पैकेट जैली का पा दें बिस्मिल्लाह चंगी तरह हिला दें बस आज सारा मिक्स हो जाए। हाँ जी जी इन्हें दो जगह पावे दो जगह पाने का एक मकसद आ अगे चल के तहत समझ खुद वा खुद आ जानी है भी दो जगह का तो पाई सी बर्तना च एक जगह प्लेट च पा ली है बाकी सारी चक के ना ये पा दें ट्रे दे हुणे नूं ना थोड़ी जी इधर पा लैने हुणे नूं ठंडी होना रख दिने तो अगला काम शुरू कर दो। हुण पौन लगी हाँ मैं पानी उबलना शुरू हो गया सेवियां सेवियां पा के तो इन्हां नूं हिला दिने भी जुड़ ना जाण इन्हां नूं जाती है पक ना जाण ना सेवियां उन्नी देर तक इस पानी दे विच ना इन्हां नूं पकाउणा वा चंगी तरह। पानी थोड़ा जहा ज़्यादा लो मेरी अद्धी प्याली सेवियां दी सी तो मैं एक किलो या सवा किलो पानी है जड़ा मैं लिया भी सेवियां ना चंगी तरह कलियां कलियां है ना पकन जुड़न ना हुण इन्हां नूं पकन दिंदे आ तो बाद दे विच अगली काम करदे आ। देख लो माशाल्लाह सेवियां ना बिल्कुल नरम हो गई ए देखो बिल्कुल नरम हो गई पक गई वा तो हुण इन्हां नूं नतार लैने तो नतारन तो बाद अगला काम शुरू कर दें। हाँ जी जी एक किलो घर का मझां का दुध आ तुसी गां का दुध पा लो या मझां का पा लो जो भी है घर का वा कच्चा दुध इनू हुण पकना रखिया वा तो ये अगली चीज़ कड़ी शामिल करनी अगली चीज़ सागू दाणा यह देखो मैं पानी च भेजता से यह देखो ये आपदे है ना जिन्हें ये दाने से तो डबल हो गए फुल के पानी में इन्हों है ना पानी च उबालना नहीं गा इन्हों कल च पकाना वा वह मैं तुम दसती हाँ तो ये बस भेने से भी ये है ना थोड़ा थोड़ा पानी पी लै तो दुध उबलूगा तो फिर अगला काम तुम दसती हाँ। तो इलायचियां मैं ये हूँ ही शामिल कर दूंगी इलायचियां के मैं जिदा तुम दसिया से दाने कड़े हुए दो इलायचियां इन्हों मैं ना बिच पा दूंगी हूँ ही रहीम ही चीनी पा दूंगी चीनी तुसी थोड़ी खाओ ज़्यादा खाओ तुसी आपके हिसाब ना पाओ तो मैं तकरीबन 50-60 ग्राम चीनी है जी ये शामिल करूँगी हूँ इन पकन दें मैं उन्होंने छान लिया वा सागू दाने फुल गया बिल्कुल तो हूँ इन दुध शामिल कर दें हूँ इन पकन दें दुध जाती रंग ना बिल्कुल है ना ट्रांसपेरेंट चिट्टा चिट्टा ना हो जाए हले ये है ना भी वो बिल्कुल शीशे तरह होना वा इन्हें पक के उन्नी देर तक इनू पकाने
हाँ जी जी यह ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया वा तो ये चिट्टे चिट्टे ना मोतियां तरह निशान रह जाते हैं तो ये निशान खत्म करने हैं। जो ये निशान खत्म हो गया समझ लो पक गया है। तो यह जड़ी मलाई उपर आ रही है इन मैं बेच ही मिक्स करती जाऊँगी, सैडा भी साफ करती जाऊँगी। तो इनू है ना चंगी तरह पका के ना फिर यदा की करना मैं तुम दसती हूँ। देखो जी सेवियां जुड़िया नहीं गई आपस में इस वास्ते नहीं जुड़िया, जो मैं इन्हों गर्म पानी चो छाणिया ना सेवियां तो इन्हों मैं फौरन ठंडे पानी च पाता, ये पकड़ियाँ बंद हो गई ठंडिया हो गई तो ये है ना जुड़िया नहीं गई तो इदा ही है ना ये रहन गिया कलिया कलिया। अगर इन्हों मैं ठंडे पानी च ना पाँदी तो यह आपस के जोड़ के ना तो एक गोल पिनी बॉल टाइप जिदा है ना भी गेंद होंगी उस तरह बन जानिया। ये तुम भी इदा ही करया करो सेवियां बालो तो उन्होंने है ना ठ गर्म पानी चो ना कड के ठंडे पानी च पा दो, पकड़ियाँ बंद हो जाए तो बड़िया सोहनिया रहा। फिर यह देखो माशाला कि प्यारा लग रहा पकदा सागूदाना उदा भी खीर खीर तरह बन गया वा, गाढ़ा भी हो गया वा। तो ये जड़ा इजाफी उन्होंने कॉर्न स्टार्च लाया हों वा ना वो एक तो भेड़ना फुल जाता वा दूसरा वो उपरों उतर जाता वा फिर असल सागूदाना ना रह जाता। अलहमदुलिल्लाह है ना देख लो किन्ना सोहना है ना बन के तैयार हो गया वा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया वा तो शीशे तरह ये बन जाते हैं गेंदा समझ लो पक गया। तो गाढ़ा देखो माशाला किन्ना हो गया ये देखो यही यदि असल पहचान आ पक गया वा। एक दूध है ना भी दूध करता सी गाढ़ा सीगा उहदी वजह तो भी ये गाढ़ा बनया वा। तो हुण इहनू ला लैंदे आ थले क्योंकि तैयार हो गया फिर रखते हैं रख के तो ये सेवियां शामिल कर दें बिस्मिल्लाह। हाँ जी जी सेवियां देखो रंग बिरंगा हो गया माशाला इनू ठंडा कर दे है ना जो ठंडा होगा तो फिर यदि सजावट तो सारा कुछ करांगे जी। रूम टेंपरेचर ते आ गया तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इनू बॉल च कर दे शिफ्ट अद्धा बाउल च पाउणा वा तो अद्धा ट्रे च पाउणा वा। हाँ जी जी लाइट का मसला बड़ा बनिया होया वा तो साडा मीटर है ना रुक गया वा खराब हो गया वा तो इस वास्ते जैली बाहर जड़ी है ना ठंडी हुई आ ओ ही आ क्योंकि फ्रीजर दे विच तो फिर फ्रीजर बिजली आऊगी तो चलेगा इस वास्ते माजरत आ तुसी है ना इन्हें फुल ठंडी करके जैली नू कट के ना तो फिर डेकोरेट करियो। तो मैं इदा ही जड़ी बाहर जिनी सैट हो गई है ना मैं उन्नी है ना कर लूँगी इनू क्योंकि साडा बिजली वालियां नू क्या वा मीटर बदल दो तो वह है ना अज सवेरे कर रहे हैं पता नहीं कदों बदलते हैं बिजली है ना मर्जी होंगी तो मीटर करंट छड़ जांदा भी है ना बिजली बंद हो जाती है मर्जी होंगी है मीटर की तो चलना शुरू हो जाता वा। तो इस वास्ते मैं है ना इनू इदा ही जिदा सैट हुई है ना इदा ही डेकोरेट कर दूंगी। तुसी इन्हें फ्रीजर च रखेंगे एक डेढ़ घंटा तो बिल्कुल सैट हो जाएगी जैली। हाँ जी जी जैली पाती है हुण थोड़े जिहा बादाम पा दिने ज़्यादा नहीं पाने क्योंकि फिर वो असल ही नहीं पता लगना है कि एक एक ये उपर पा दें। डिश के मैं है ना जो सेवियां दरम्यान सेवियां कहता जो ये मिठा दरम्यान च पाना शुरू करता तो उन्हें देख लो किन्नी प्यारी खुद जगह दिती है उन्होंने तो सुलह सफाई दे सैडा ते है ना डेकोरेशन करते हैं। अलहमदुलिल्लाह दोनों का डिजाइन अलग अलग आ दोनों बर्तन भी अलग अलग आ माशाला किन्ने सोहने लग रहे एक किलो दुध ना ना किन्ना ज़्यादा मिठा बन गया वा तो है ना जरूर बनाइयो बच्चों लिए फायदेमंद भी आ और खाने लिए भी चंगा वा।
हाँ जी जी, उम्मीद करती मेरा अज का ब्लॉग तुहानू चंगा लगा होएगा। इहदे नाल ही इजाजत चाहनी, अल्लाह हाफिज़।